आज के इस वीडियो में हम हेगल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन है आपके लिए। NTA UGC NET जून 2019 के लिए पॉलिटिकल साइंस का हमारा न्यू एंड अपडेटेड कोर्स शुरू हो चुका है। ये जो नया कोर्स है वो पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। UGC NET का जो न्यू सिलेबस लाया गया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इस न्यू सिलेबस पर हमारा ये कोर्स बेस्ड है। इस कोर्स में हम इन 6 एरियाज को डिटेल में कवर करेंगे: पॉलिटिकल थियरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। न्यू सिलेबस में इन सभी एरियाज में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिटेल में, सॉरी, इस कोर्स में डिटेल में कवर किया जाएगा। ओके, ये कोर्स UGC NET के स्टूडेंट्स के अलावा UPSC पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ वे स्टूडेंट्स जो कि JNU और TU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए, इस कोर्स को कैसे एक्सेस करना है, इस जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे ऑनलाइन कोर्स की बात। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, आज के हमारे थिंकर के ऊपर, हेगल। UGC NET के न्यू सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सेक्शन में हेगल को भी इंक्लूड किया गया है। हेगल आपको पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके हेगल के सेक्शन को, आपके हेगल के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। हेगल के 2 वीडियोस आएंगे, ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और इन 2 वीडियोस में हम हेगल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं हेगल के एक ब्रीफ बायोग्राफी के साथ, उनके लाइफ और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। तो देखिए, हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे, लेकिन हेगल का जन्म जिस जर्मनी में हुआ था वो आज के जर्मनी के जैसा नहीं था। हेगल के समय जर्मनी कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था और इन सभी स्टेट्स में जर्मन स्पीकिंग पीपल, दैट मींस जर्मन पीपल ही रहते थे। यहां पर 2 बड़े स्टेट्स थे, ओके, 2 बड़े जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, एक था प्रशा और दूसरा ऑस्ट्रिया। हेगल का जन्म 1770 में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे। अपने हायर स्टडीज के लिए 18 वर्ष की आयु में हेगल एक थियोलॉजिकल सेमिनरी, दैट मींस एक मोनास्ट्री को ज्वाइन करते हैं। यहां पर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग आठ सालों तक हेगल स्विट्जरलैंड में प्राइवेट ट्यूटर की तरह काम करते हैं। 1801 में हेगल यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को ज्वाइन करते हैं और इसी यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान हेगल अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट को कंप्लीट करते हैं और ये उनका जो बुक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये 1807 में फाइनली पब्लिश होता है। लेकिन 1806 में इस यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को क्लोज कर दिया जाता है। कारण था बैटल ऑफ जेना। बैटल ऑफ जेना नेपोलियन और प्रशियन स्टेट के बीच हुआ एक युद्ध था। इस युद्ध में प्रशियन स्टेट की हार होती है, ओके, और इसी हार के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान हेगल ने जब नेपोलियन को देखा, ओके, नेपोलियन को जब हेगल ने देखा, तब नेपोलियन के लिए हेगल एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। हेगल नेपोलियन के लिए कहते हैं वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्सबैक। ओके, वर्ल्ड स्पिरिट क्या है, स्पिरिट क्या है, ये अभी हम कुछ देर में समझेंगे। ये कोटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेगल नेपोलियन के लिए इस कोटेशन को यूज करते हैं, वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्सबैक। फिर 1816 में हेगल अपनी एक और इंपॉर्टेंट वर्क साइंस ऑफ लॉजिक को पब्लिश करते हैं और इस बुक के पब्लिश होने के बाद हेगल को यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में एक प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद 1818 में हेगल अपने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस को पब्लिश करते हैं और इस इंसाइक्लोपीडिया के पब्लिश होने के बाद 1818 में ही हेगल को यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में फिलोसफी का प्रोफेसर बना दिया जाता है। ओके, 1818 से लेकर 1831 तक,
जब हेगल की मृत्यु होती है 1831 तक हेगल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एज अ प्रोफेसर काम करते हैं, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी वो काम करते हैं। 1821 में हेगल अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क फिलोसफी ऑफ राइट को पब्लिश करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में हेगल अपने स्टूडेंट्स को फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पर कई लेक्चर्स दिया करते थे। उनके मृत्यु के बाद हेगल के द्वारा दिए गए इन लेक्चर्स के लेक्चर नोट्स को कंपाइल करके एक बुक पब्लिश किया जाता है 1837 में, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है हेगल का, जो कि हेगल के एक्चुअली लेक्चर नोट्स को कंपाइल करके बनाया गया था। 1831 में कोलेरा से हेगल की मृत्यु हो जाती है। अब हम हेगल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। हेगल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए हमें उनके ओवरऑल फिलॉसफी को उनके ओवरऑल फिलॉसफी का एक ब्रीफ स्केच, एक ब्रीफ आउटलाइन, एक ओवरव्यू तैयार करना होगा, तभी हम हेगल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझ सकते हैं। हेगल के ओवरऑल फिलॉसफी को समझे बिना, ब्रीफली समझे बिना, हम हेगल के पॉलिटिकल फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम हेगल के ओवरऑल फिलॉसफी को, उनके उनके फिलॉसफी का एक ब्रीफ स्केच तैयार करते हैं। तो देखिए, हेगल एक आइडियलिस्ट थिंकर थे। हेगल एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, क्यों? क्योंकि हेगल का मानना था कि आइडियाज ही अल्टीमेट रियलिटी होती है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? आइडियाज है। आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, जिसे आप रियलिटी, आप हकीकत समझते हैं, वो हकीकत नहीं है। आपको मैटर दिखाई देता है, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिन्हें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और आपको लगता है कि यही हकीकत है, यही रियलिटी है। लेकिन हेगल कहते हैं कि ये हकीकत, ये रियलिटी नहीं है। इन सभी ऑब्जर्वेबल चीज़ों के पीछे, मैटर के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे एक आइडिया छुपा होता है, एक रीज़न छुपा होता है। अल्टीमेट रियलिटी ये आइडिया है, ये रीज़न है। ओके, हेगल आइडिया को ही माइंड कहते हैं, ओके, रीज़न कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, गायस्ट कहते हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, माइंड, आइडिया, रीजन, स्पिरिट, गायस्ट, ये सभी एक ही चीज को डिनोट करते हैं। ओके, आप चाहे माइंड कहें या स्पिरिट कहें या गायस्ट कहें या रीजन कहें या आइडिया कहें, मीनिंग एक ही है। तो हेगल एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, क्यों? क्योंकि हेगल का मानना था कि इस विजिबल वर्ल्ड के पीछे, इस मैटर, इन ऑब्जेक्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, इन सभी के पीछे एक आइडिया छुपा होता है, आइडिया छुपा होता है, और ये आइडिया ही अल्टीमेट रियलिटी होता है। ओके, और यहां आपको याद रखना है कि हेगल आइडिया को ही माइंड, स्पिरिट, गायस्ट और रीजन कहते हैं। हेगल के इस आइडियलिस्ट अप्रोच को डिनोट करता उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, उनके इस आइडियलिस्ट अप्रोच को दर्शाता एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। हेगल कहते हैं, व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इस कोटेशन का मीनिंग समझना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, हेगल कहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल, जो एक्चुअल है वो रैशनल है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो कुछ भी एक्चुअल है, जो कुछ भी वास्तव में, हकीकत में मौजूद है, वो एक रैशनल प्रोसेस का नतीजा है। उसके पीछे एक रैशनल प्रोसेस छुपा हुआ है, कोई प्रिंसिपल छुपा हुआ है, कोई लॉ, कोई नियम छुपा हुआ है। और ये प्रिंसिपल, ये लॉ, ये नियम, ये क्या है? ये तो मैटर नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो जो एक्चुअल है, उसके पीछे कुछ रैशनल छुपा हुआ है। ओके, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं बन जाती, कोई भी चीज़ यूं ही नहीं आ जाती। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई प्रिंसिपल काम करता है, किसी ना किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, किसी ना किसी नियम के आधार पे, किसी ना किसी प्रिंसिपल के आधार पे कोई चीज़ इमर्ज करता है, कोई चीज़ बनता है। ओके, इसे ही वो कहते हैं हेगल कि एक्चुअल इज रैशनल। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी। ओके, इस कोटेशन का दूसरा पार्ट है, रैशनल इज एक्चुअल, जो रैशनल है वो एक्चुअल भी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई आइडिया है, रैशनल मतलब क्या, कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ,
कोई रीजन, तो अगर कोई आइडिया है, कोई प्रिंसिपल है, कोई लॉ है, तो कभी ना कभी ये आइडिया अप्लाई किया जाएगा, इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा, ओके इस, और जब कभी भी ऐसा होगा, जब कभी भी इन आइडियाज को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा, इस रीजन को अप्लाई किया जाएगा, तो कुछ बनेगा, कुछ एक्चुअल बनेगा, इन रियलिटी, इन एक्चुअल सिचुएशन कुछ इमर्ज करके आएगा, ओके कुछ इमर्ज करके आएगा जिसे हम देख सकेंगे, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकेंगे, जिसे हम फील कर सकेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं तब ये बातें और अच्छे से क्लियर होगी। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ओके या लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या आप ग्रेविटी को छू सकते हैं? नहीं, ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लॉ है, ये एक रीजन, एक आइडिया है, एक प्रिंसिपल है। ग्रेविटी एक लॉ, एक प्रिंसिपल, एक आइडिया है, ओके जब पेड़ से एप्पल गिरता है, पेड़ से जब एप्पल गिरता है, तो ये एप्पल का गिरना एक एक्चुअल घटना है, एक घटना है जो इन रियलिटी घटती है, ये एक एक्चुअल घटना है जो घट रही है, लेकिन इस एक्चुअल घटना के पीछे एक रीजन छिपा हुआ है, और रीजन क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये रीजन छुपा हुआ है। तो एक एक्चुअल घटना है और इस एक्चुअल घटना के पीछे एक रीजन है, एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है। इसे ही हीगल ने कहा कि एक्चुअल इज रैशनल, ओके एवरी एक्चुअल थिंग, एवरी रियल थिंग, जो कुछ भी रियल है, वास्तव में है, हकीकत में है, वो चाहे कोई घटना है या कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे एक रीजन होगा, कोई रीजन होगा, कोई प्रोसेस, कोई नियम, कोई कानून, कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट चीज होगा ही होगा, ओके इसी तरह मान लीजिए एक फिजिक्स टीचर बच्चों को क्लास में ग्रेविटी के बारे में समझा रहा है, तो वो बच्चों को सबसे पहले क्या बता रहा है? वो बच्चों को एक आइडिया के बारे में बता रहा है, एक प्रिंसिपल, एक लॉ के बारे में बता रहा है कि ग्रेविटी होता क्या है। लेकिन ये टीचर बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके भी समझा सकता है। पहले बच्चों को उसने बताया कि ग्रेविटी होता क्या है, फिर वो टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाएगा कि ग्रेविटी क्या है। तो वो टीचर क्या करेगा? बस एक पेन को उठाएगा और उस पेन को ड्रॉप कर देगा और बच्चों को कहेगा कि ये ग्रेविटी है, ओके तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले उस टीचर ने ग्रेविटी के आइडिया को, ओके ग्रेविटी के प्रिंसिपल को बताया और फिर इस प्रिंसिपल को एक्चुअल वर्ल्ड में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो पहले बच्चों को रीजन, आइडिया, प्रिंसिपल के बारे में बताया और फिर इस प्रिंसिपल को एक्चुअल वर्ल्ड में डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि पहले रीजन के बारे में बताया गया और फिर इस रीजन को एक्चुअलाइज करके दिखाया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रैशनल इज एक्चुअल, जो भी रैशनल है वो एक्चुअल बन सकता है, उसे एक्चुअलाइज किया जा सकता है। तो इसे ही हेगल ने कहा कि रैशनल इज एक्चुअल, ओके तो इस कोटेशन का यही मतलब है कि व्हाट इज रैशनल इज एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल। और ये कोटेशन दर्शाता है, बताता है कि हेगल एक एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट थे। ओके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेगल से रिलेटेड, वो है हेगल का कॉन्सेप्ट स्पिरिट और गायस्ट का कॉन्सेप्ट। स्पिरिट क्या है हेगल के अकॉर्डिंग, जिसे हेगल गायस्ट भी कहते हैं, स्पिरिट या गायस्ट दोनों सेम चीजें हैं। स्पिरिट और गायस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है हेगल का, इसे समझते हैं। देखिए हेगल कहते हैं कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई, इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स एम्प्टी था, खाली था। ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई, यूनिवर्स की जब शुरुआत हुई, उस वक्त यूनिवर्स में कुछ नहीं था, यूनिवर्स पूरा एम्प्टी था, खाली था। यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर खाली होने का मतलब है, यूनिवर्स एम्प्टी था, यूनिवर्स खाली था, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में कोई मैटर नहीं था, ओके कोई स्टार नहीं, कोई प्लैनेट नहीं, कुछ भी नहीं। यूनिवर्स में क्या था? पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज था और वो था माइंड। ओके पूरे यूनिवर्स में माइंड था, जो माइंड है वो एग्जिस्ट कर रहा था। ओके ये जो स्पिरिट है वो एग्जिस्ट कर रहा था। जब यूनिवर्स में कुछ नहीं है तो यूनिवर्स में क्या है? चारों ओर माइंड है, स्पिरिट है, इसे हेगल गायस्ट कहते हैं। हेगल अपने इस माइंड के कॉन्सेप्ट को
इस स्पिरिट, इस गाइस्ट के कॉन्सेप्ट को हेगल गॉड से जोड़कर भी देखते हैं। ओके, जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था उस वक्त चारों ओर माइंड का एक्सिस्टेंस था, मतलब गॉड का एक्सिस्टेंस था। लेकिन ये जो माइंड है, ओके, ये जो स्पिरिट है, इसकी एक खासियत है। ओके, और खासियत क्या है कि ये माइंड, ये स्पिरिट, इसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कॉन्शियस नहीं है। इस माइंड, इस स्पिरिट को अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। कॉन्शियस होने का मतलब क्या है? आप कॉन्शियस हैं। ओके, आपको अपने आप की अनुभूति है, आपको अपने बारे में नॉलेज है। भले ये नॉलेज कितना डीप हो ये मतलब नहीं रखता, लेकिन आप कॉन्शियस हैं। आपको पता है कि हाँ, मैं जीवित हूँ। ओके, मैं जीवित हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यूनिवर्स में स्पिरिट है, स्पिरिट मौजूद है, माइंड मौजूद है, लेकिन ये माइंड अपने आप को लेकर कॉन्शियस नहीं है, ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस थिंग्स का एग्जाम्पल क्या है? आपके रूम में जो टेबल है, जो चेयर है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी अनकॉन्शियस होती है। लेकिन इन नॉन लिविंग थिंग्स और स्पिरिट के बीच डिफरेंस क्या है? ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ये अनकॉन्शियस है और ये हमेशा अनकॉन्शियस ही रहेंगी, ये कभी कॉन्शियस नहीं हो सकती। लेकिन जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट में कॉन्शियस बनने का पोटेंशियल है और ये स्पिरिट कॉन्शियस बनना चाहता है। ओके, यूनिवर्स के बिगनिंग में, शुरुआत में माइंड बिना कॉन्शियस के है, विदाउट कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस माइंड, इस स्पिरिट में पोटेंशियल मौजूद है कॉन्शियस होने का, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस को अचीव करने का, सेल्फ नॉलेज को अचीव करने का पोटेंशियल मौजूद है। और इसलिए ये स्पिरिट, ये माइंड अपने इस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना चाहता है, अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता है। पोटेंशियल क्या है माइंड का, स्पिरिट का? सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना, ओके, सेल्फ नॉलेज को अचीव करना, कॉन्शियस बनना, सेल्फ कॉन्शियस बनना, ओके, खुद के अनुभूति, अपने खुद के ज्ञान को हासिल करना, ये पोटेंशियल है। तो स्पिरिट नॉन लिविंग नहीं, आप उसे नॉन लिविंग थिंग्स की तरह कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन लिविंग है, जो टेबल, जो चेयर है, ये भी अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन ये हमेशा अनकॉन्शियस ही रहेंगे, ये कभी कॉन्शियस नहीं बन सकते। लेकिन जो स्पिरिट है वो अनकॉन्शियस है, यूनिवर्स के बिगिनिंग में वो अनकॉन्शियस है, लेकिन उसके भीतर पोटेंशियल है, कॉन्शियस बनने का पोटेंशियल, और वो अपने इस पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता है। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है माइंड का, वो क्या होगा? माइंड अपने आप को अपने ऑपोजिट, दैट इज मैटर में बदल देता है, मैटर में बदल देता है अपने आप को अपने ऑपोजिट। और माइंड का ऑपोजिट क्या है? स्पिरिट का ऑपोजिट क्या है? मैटर। तो माइंड इसके बाद, यूनिवर्स के बनने के बाद कुछ नहीं है, यूनिवर्स में सिर्फ माइंड है, और इसके बाद माइंड अपने आप को मैटर में बदल देगा। ओके, मैटर में बदल देगा। अब क्वेश्चन है कि आखिर माइंड अपने आप को अपने ऑपोजिट, दैट इज मैटर में बदलता क्यों है? इसका आंसर मैंने अभी जस्ट दिया, क्योंकि माइंड के भीतर पोटेंशियल है, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करने का पोटेंशियल, ओके, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने का पोटेंशियल। तो जो माइंड है, जो स्पिरिट है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसके पास एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, एक पर्पस है, एक डेस्टिनी है। और ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना। और हेगल कहते हैं कि माइंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को तभी अचीव कर सकता है जब वो अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करे, अपने आप को एक एक्चुअल वर्ल्ड में रिप्रोड्यूस करे, मैनिफेस्ट करे क्रिएटेड वर्ल्ड में। ओके, अपना एक पार्ट बनाए क्रिएटेड वर्ल्ड में। हेगल क्लियरली कहते हैं कि माइंड जब तक अपने आप को मैटर में कन्वर्ट नहीं करेगा, माइंड कभी भी सेल्फ कॉन्शियस को अचीव नहीं कर पाएगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अचीव नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए ही माइंड को अपने आप को मैटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओके, अपने आप को एक्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी जाकर माइंड जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव कर पाएगा। ये कैसे होता है ये हम समझेंगे। ओके, माइंड को हम
ये कैसे होता है ये हम समझेंगे, किस तरह माइंड सेल्फ कॉन्शियसनेस को, सेल्फ नॉलेज को अचीव करता है ये हम समझेंगे। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और हेगल की जो पूरी फिलॉसफी है वो इसी स्टोरी को बताती है, माइंड के, स्पिरिट के, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करने के स्टोरी को ही बताती है हेगल की पूरी फिलॉसफी की, हाउ माइंड एट द एंड अचीव्स सेल्फ नॉलेज ऑफ इट्सेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ इट्सेल्फ। ओके, इसे ही बताती है, इसे ही हम समझेंगे। ओके, तो जब माइंड मैटर बन जाता है, जब माइंड अपने आप को मैटर में कन्वर्ट कर देता है, ओके, तब माइंड उस मैटर में समा जाता है, माइंड गेट्स बरीड इन द मैटर, क्योंकि माइंड को ऐसा करना ही है। हेगल ने कहा कि माइंड बिना मैटर में कन्वर्ट हुए सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं कर सकता। तो माइंड ने जब मैटर बनाया, अपने आप को मैटर में कन्वर्ट किया, तो माइंड जो है वो मैटर में समा गया, इट गेट्स बरीड इन द मैटर। और जैसे जैसे मैटर अलग अलग फॉर्म में आगे बढ़ेगा, इमर्ज करेगा, तो मैटर के साथ साथ माइंड भी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग शेप में इमर्ज करेगा। ओके, बस मैटर का बनना इनफ नहीं है, मैटर बन गया, अब ये मैटर आगे बढ़ेगा, अलग अलग शेप, अलग अलग फॉर्म में ये अपने आप को इमर्ज करेगा, और मैटर के साथ साथ माइंड भी अलग अलग फॉर्म, अलग अलग शेप में इमर्ज करेगा। एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्स के बिगिनिंग में जब स्टार्स बने, ओके, यूनिवर्स के बिगिनिंग में जब स्टार्स बने, देखिए मैटर, देखिए यूनिवर्स शुरुआती दिनों में, यूनिवर्स में कुछ नहीं था, कोई मैटर नहीं था, ओके, कोई मैटर नहीं था, सिर्फ माइंड था, स्पिरिट था, ओके, माइंड स्पिरिट लेकिन कॉन्शियस नहीं था। कॉन्शियस बनने के लिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करने के लिए माइंड ने, स्पिरिट ने मैटर बनाया। मैटर के बनने की घटना को आप कंपेयर कर सकते हैं बिग बैंग के साथ। बिग बैंग एक थ्योरी है जो कि बताती है कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। जो भी मैटर और एनर्जी हमारे यूनिवर्स में मौजूद है वो सभी बिग बैंग से निकल कर आते हैं। ओके, बिग बैंग के पहले क्या था किसी को नहीं पता, ओके, साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, किसी को नहीं पता, बिग बैंग से ही मैटर और एनर्जी की उत्पत्ति होती है। ओके, तो यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के होने के बाद मैटर बना, एनर्जी बना। ओके, तो जब मैटर बना तो उस मैटर में माइंड भी समा गया। ओके, और इसके बाद मैटर बना, अब यूनिवर्स आगे बढ़ता है। ओके, मैटर बना, अब स्टार्स बनेंगे, तो जब स्टार्स बनेंगे, जब स्टार्स बने तो माइंड स्टार में भी मौजूद हो गया, उन स्टार्स में भी मौजूद हो गया। ओके, स्टार्स में भी समा गया। फिर प्लैनेट्स बनेंगे तो माइंड प्लैनेट में भी आ जाएगा, प्लैनेट में भी समा जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ रहा है, अपने फॉर्म को, अपने शेप को मैटर बदल रहा है, माइंड भी मैटर के साथ साथ अपने फॉर्म और अपने शेप को बदल रहा है। तो जब सोलर सिस्टम बने तो मैटर भी सोलर सिस्टम में समा गया। ओके, इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में अर्थ बनेगा, पृथ्वी बनेगा, तो माइंड पृथ्वी में भी आ जाएगा, पृथ्वी में भी समा जाएगा। और फिर हजारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होगी, लाइफ इमर्ज करेगा, पेड़ पौधे, डिफरेंट एनिमल्स बनेंगे, डिफरेंट एनिमल्स जन्म लेंगे, पेड़ पौधे आएंगे, तो माइंड जो है वो इन एनिमल्स में, इन पेड़ पौधों में भी समा जाएगा। ये पेड़ पौधे, ये एनिमल्स क्या है, ये माइंड, इस इनमें माइंड मौजूद है। और माइंड की कोशिश क्या है, जो स्पिरिट है उसकी कोशिश क्या है, कॉन्शियसनेस को अचीव करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना। लेकिन यहां आपको एक बात याद रखना है कि अभी तक माइंड को कॉन्शियसनेस अचीव नहीं हुआ, स्वयं की अनुभूति अभी तक हासिल नहीं हुई। क्योंकि आप बात स्टार्स की कर लें, आप बात प्लैनेट्स की कर लें, आप बात प्लांट्स की, एनिमल्स की कर लें, ये जितने भी चीजें हैं ये खुद कॉन्शियस नहीं है, तो माइंड कैसे कॉन्शियस हो सकता है जो कि इन चीजों में मौजूद है। प्लांट्स में माइंड मौजूद है लेकिन प्लांट कॉन्शियस नहीं है, तो माइंड भी कॉन्शियस नहीं है। ओके, एनिमल्स में माइंड मौजूद है, स्पिरिट मौजूद है, लेकिन एनिमल कॉन्शियस नहीं है, तो माइंड भी कॉन्शियस नहीं है। हेगल कहते हैं कि माइंड सबसे पहले कॉन्शियसनेस को अचीव करता है, कब, जब ह्यूमन बीइंग अर्थ में आते हैं। ह्यूमन बीइंग के अर्थ में आने के बाद ही माइंड सबसे पहले कॉन्शियसनेस को अचीव करता है।
ह्यूमन बीइंग क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने आप को लेकर कॉन्शियस होते हैं. क्यों? क्योंकि हम सोच सकते हैं. ह्यूमन बीइंग सोच सकते हैं. और ह्यूमन बीइंग के थ्रू, क्योंकि हमारे में भी माइंड है, स्पिरिट है, हम भी स्पिरिट का ही पार्ट, हम में भी स्पिरिट समाया हुआ है, क्योंकि हम मैटर है. ओके, क्योंकि हम मैटर है, वी आर मैटर, तो हम में भी स्पिरिट समाया हुआ है. और क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, हम सोच सकते हैं, तो जब हम सोचते हैं तो हमारे साथ साथ माइंड जो है, स्पिरिट जो है, वो भी कॉन्शियस हो जाता है. हमारे थ्रू माइंड जो है, स्पिरिट जो है, वो कॉन्शियसनेस को अचीव करता है. लेकिन ये कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं है, फुल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस फुल नहीं होता. माइंड कॉन्शियस बन जाता है ह्यूमन बीइंग के साथ, लेकिन ये कॉन्शियस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. माइंड का एम सिर्फ कॉन्शियस होना नहीं है, माइंड का एम है, स्पिरिट का एम है, सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना, कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना. ह्यूमन बीइंग के एमर्जेंस के साथ माइंड पहली बार कॉन्शियस होता है, लेकिन अभी माइंड को एक लंबी दूरी, एक लंबा रास्ता, एक लंबी जर्नी तय करनी है. तब जाके माइंड जो है वो पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस बन पाएगा. ओके, तो देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप करते हैं, वैसे वैसे माइंड भी आगे बढ़ेगा, माइंड भी डेवलप करेगा. और ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के इस प्रोसेस को ही हेगल हिस्ट्री कहते हैं. तो ह्यूमन बीइंग के एमर्ज, ह्यूमन बीइंग का जब एमर्जेंस हुआ अर्थ में, तो ह्यूमन बीइंग के एमर्जेंस के साथ माइंड को सबसे पहले कॉन्शियसनेस की अचीवमेंट हुई, सबसे पहले माइंड कॉन्शियस बना. लेकिन अभी माइंड पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है. तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, उनका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, और उनके कॉन्शियसनेस के साथ साथ माइंड का भी कॉन्शियसनेस बढ़ेगा. और जब मैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, तो मैं किसी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा. जब मैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करता हूँ, तो किसी एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात नहीं करता, मैं पूरे ह्यूमन रेस की बात कर रहा हूँ. ओके, तो जब एकदम एकदम शुरुआत से अगर हम बात करें, तो शुरुआत में ह्यूमन बीइंग हंटर गैदर का लाइफ जिया करते थे. उस वक्त हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत कम था. ओके, इसके बाद हमने सरल लाइफ जीना शुरू किया, हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा बढ़ा. फिर एग्रीकल्चर आया और बढ़ा हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल. इसके बाद सिविलाइजेशन हुआ. तो जैसे जैसे हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता गया, माइंड का भी कॉन्शियसनेस, स्पिरिट का भी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया. ओके, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री, तो ये ह्यूमन हिस्ट्री है. और हीगल माइंड के डेवलपमेंट को, हीगल ह्यूमन हिस्ट्री के साथ जोड़ के देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं. हीगल कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप करेंगे, उन्हीं के थ्रू माइंड भी डेवलप करेगा. माइंड खुद डेवलप नहीं कर सकता, और इसलिए माइंड ने मैटर बनाया था. और हम क्या है? हम भी मैटर है. तो जैसे हम डेवलप करेंगे, हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप करेगा, वैसे माइंड का भी कॉन्शियसनेस डेवलप करेगा. ओके, जैसे जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे हमें हमारे नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे थ्रू माइंड भी, स्पिरिट भी और अधिक कॉन्शियस होता जाएगा. और यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि ये जो माइंड है, ये जो स्पिरिट है, इसका गोल है कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करना. सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं, मेयर कॉन्शियसनेस नहीं, ओनली कॉन्शियसनेस नहीं, कंप्लीट कॉन्शियसनेस. और माइंड अपने इस गोल को, कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव कैसे करेगा? ह्यूमन बीइंग के थ्रू. इसका ये मतलब है कि जब ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा, तब माइंड भी सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा. यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है एक बात से रिलेटेड, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ. आखिर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या? वॉट इज दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस? ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या? किस चीज के ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ? सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने हिंदी में कहा अनुभूति. ओके, सेल्फ नॉलेज. तो किस चीज के नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ? किस चीज के कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ? माइंड किस चीज के कॉन्शियसनेस को अचीव करना चाहता है, किस चीज के नॉलेज को अचीव करना चाहता है? आंसर है फ्रीडम. माइंड जो है, स्पिरिट जो है, माइंड स्पिरिट का एसेंस क्या है? फ्रीडम. माइंड
फ्रीडम के कॉन्शियसनेस को अटेन करना चाहता है, फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को जानना चाहता है, फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता है. व्हाट इज फ्रीडम, इसे जानना चाहता है माइंड. ओके, फ्रीडम ही वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, फ्रीडम के मीनिंग को समझना चाहता है. ओके, ये जो कॉन्शियसनेस की बात है ये फ्रीडम से रिलेटेड है. जो माइंड है, जो स्पिरिट है, इस माइंड का एम है, गोल है एब्सोल्यूट फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना. जब माइंड एब्सोल्यूट फ्रीडम के मीनिंग को समझ लेगा, आखिर फ्रीडम है क्या, व्हाट इज फ्रीडम, जब इसे माइंड समझ लेगा, एब्सोल्यूट फ्रीडम को जब माइंड एक्सपीरियंस कर लेगा, तब माइंड पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा. ओके, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, माइंड ये काम स्वयं नहीं कर सकता, खुद ब खुद नहीं कर सकता. खुद ब खुद माइंड फ्रीडम के मीनिंग को, एब्सोल्यूट मीनिंग को समझ नहीं सकता. माइंड ये काम ह्यूमन बीइंग के थ्रू करेगा. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग के भीतर फ्रीडम के नॉलेज का विकास होगा, वैसे वैसे माइंड के भीतर भी फ्रीडम का विकास होगा. जैसे जैसे हम फ्रीडम के मीनिंग को समझेंगे, वैसे वैसे माइंड भी फ्रीडम के मीनिंग को समझेगा. ओके, तो ये था स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, ओके, गाइस्ट का कॉन्सेप्ट. अब आते हैं हेगल के थ्योरी ऑफ हिस्ट्री पे, जो कि स्पिरिट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. हेगल कहते हैं हिस्ट्री एक जर्नी की तरह है. व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री एक जर्नी है. हेगल कहते हैं हिस्ट्री एक जर्नी है, और इस जर्नी में सफर, ट्रैवल कौन कर रहा है? आंसर है माइंड. लेकिन क्योंकि माइंड खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए माइंड ये जर्नी हमारे थ्रू ट्रैवल करता है. ह्यूमन बीइंग के थ्रू इस जर्नी को माइंड ट्रैवल करता है. ओके, ये जर्नी माइंड की जर्नी है, स्पिरिट की जर्नी. हिस्ट्री क्या है? माइंड की जर्नी है, स्पिरिट की जर्नी है. और इस जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस. और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? फ्रीडम के कंप्लीट मीनिंग को, एब्सोल्यूट मीनिंग को हासिल करना, समझना. ओके ओके, और ये जो जर्नी है, इस जर्नी को, इस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को, इस डेस्टिनेशन को माइंड ह्यूमन बीइंग के थ्रू अचीव करना चाहती है. और जब मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ तो मतलब है ह्यूमन रेस के थ्रू, पूरे ह्यूमन रेस के थ्रू, ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू अटेन करना चाहती है, फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को अटेन करना चाहती है. अब इस डेस्टिनेशन से पहले, इस जर्नी का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है फ्रीडम का एब्सोल्यूट मीनिंग. लेकिन इस डेस्टिनेशन से पहले, इस जर्नी में कुछ पड़ाव आएंगे, कुछ स्टॉपेजेस होंगे. हर एक स्टॉपेज, हर एक पड़ाव एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. हेगल कहते हैं हर एक पड़ाव, हर एक स्टॉपेज एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. हर सिविलाइजेशन में फ्रीडम का हमारे पास एक मीनिंग, एक डेफिनेशन, एक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग होगा. अगर फ्रीडम का ये मीनिंग परफेक्ट है तो ठीक है, हिस्ट्री का एंड हो गया, क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मीनिंग परफेक्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, सिविलाइजेशन को पीछे छोड़ेंगे, दूसरे सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा. एक सिविलाइजेशन के बाद दूसरा सिविलाइजेशन आएगा, हर एक सिविलाइजेशन आता जाएगा, जब तक हम फ्रीडम के अल्टीमेट मीनिंग को, फाइनल मीनिंग को अटेन ना कर ले. आखिर फ्रीडम है क्या, व्हाट इज फ्रीडम, इसे हम जान ना ले, इसके पूरे मीनिंग को जान ना ले, तब तक सिविलाइजेशंस आगे बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा. हेगल कहते हैं कि दुनिया में अभी तक तीन मेन सिविलाइजेशंस हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टेजेस हुए हैं, तीन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टेजेस हुए हैं. और ये जो तीन हिस्टोरिकल स्टेजेस हैं, ये तीन सिविलाइजेशंस हैं, ये फ्रीडम के तीन डेफिनेशंस को, तीन मीनिंग्स को डिनोट करते हैं. पहला हिस्टोरिकल स्टेज है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म. ये पहला हिस्टोरिकल स्टेज है, सबसे पहला. ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्ट, ईस्टर्न सिविलाइजेशन. इस ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के अंतर्गत हेगल इंक्लूड करते हैं अथॉरिटेरियन सिविलाइजेशंस को, डिक्टेटरशिप्स को, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, पर्शियन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर. इन सभी सिविलाइजेशन में एक ऑटोक्रेटिक रूलर होता है, एक डेस्पॉट का शासन होगा. ओके, और यहां पर फ्रीडम का डेफिनेशन क्या होगा? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म में, जहां पर एक ऑटोक्रेटिक रूलर, एक डेस्पॉट का शासन है, यहां पर फ्रीडम का मतलब क्या होगा? और ये हमारा पहला डेफिनेशन होगा फ्रीडम का. और यहां पर फ्रीडम का डेफिनेशन होगा वन इज फ्री, ओनली वन इज फ्री. और ये वन कौन है? जो डेस्पॉट है, जो डिक्टेटर है,
जो रूलर है बस वही फ्री है, उसी के पास फ्रीडम है, ओके, उसी के पास आज़ादी है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ये एक नैरोवेस्ट डेफिनेशन है फ्रीडम का, पहला डेफिनेशन ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो आता है, ओके, जिसे हेगल चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज है हिस्ट्री का, इसे हेगल चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये एक नैरो डेफिनेशन है फ्रीडम का। ऑब्वियस सी बात है, फ्रीडम का ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक इंसान फ्री है, जो डेस्पॉट है वो फ्री है, बाकी हर कोई उस डेस्पॉट का स्लेव है। तो ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, एकदम इनकम्प्लीट है, ओके। तो इस डेफिनेशन को हम रिजेक्ट करेंगे, और इस डेफिनेशन के साथ साथ हम इस पूरे सिविलाइजेशन को रिजेक्ट करेंगे, ओरिएंटल डेस्पॉटिज्म, ये सिविलाइजेशन को हम पीछे छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ओके। आगे इसके बाद आता है ग्रीक सिटी स्टेट्स, ग्रीक सिविलाइजेशन, जहां पर फ्रीडम का डेफिनेशन होता है फ्यू आर फ्री। देखिए, वन इज फ्री से हम एडवांस करके पहुंच गए फ्यू आर फ्री। पहले हमने कहा एक फ्री है जो डेस्पॉट है, अब कह रहे हैं कुछ लोग, वन नहीं, फ्यू, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर फ्री। तो देखिए, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो सेल्फ नॉलेज है, फ्रीडम से रिलेटेड हमारा जो नॉलेज है, वो एडवांस कर गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया। और इसी के साथ साथ जो स्पिरिट है, जो माइंड है, उसके लिए भी फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम का नॉलेज एक स्टेप आगे बढ़ गया। फ्यू आर फ्री, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स, ग्रीक सिविलाइजेशन में फ्रीडम का डेफिनेशन होगा। तो ग्रीक सिटी स्टेट जैसे एथेंस, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो कई लोगों के पास होता, एक के पास नहीं, कई लोगों के पास होता, जितने भी मेल सिटीजन्स होते उन सभी को फ्रीडम दिया जाता। लेकिन फ्रीडम, यहाँ पर जो फ्रीडम का मीनिंग है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी नैरो है, लिमिटेड है। फ्रीडम सिर्फ मेल सिटीजन्स के पास ही होता, लेकिन जो वमेन होती, जो स्लेव्स होते, उन्हें फ्रीडम के लायक नहीं समझा जाता, उन्हें वर्दी नहीं समझा जाता, उन्हें इस लायक नहीं समझा जाता कि उन्हें भी फ्रीडम दिया जाए। तो फ्रीडम का ये जो डेफिनेशन है हमारा, ये भी इनकम्प्लीट है। तो ग्रीक सिविलाइजेशन को भी हमें पीछे छोड़ना होगा, ओके। हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक स्टेप और आगे बढ़ता है, ह्यूमन हिस्ट्री एक स्टेप और आगे बढ़ता है, और ग्रीक सिविलाइजेशन के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम एक फाइनल स्टेज की ओर पहुंचते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फाइनल स्टेज की ओर पहुंचते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के फाइनल स्टेज की ओर पहुंचते हैं। और ये फाइनल स्टेज है पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप, ये फाइनल स्टेज है। हेगल कहते हैं ये स्टेज है क्रिश्चियनिटी के आने के बाद का स्टेज, क्रिश्चियन रिलीजन के आने के बाद का स्टेज। हेगल कहते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है All human beings are equal before God. ईश्वर के सामने जितने भी human being हैं, वे सभी equal हैं. Okay, all are equal. इसका मतलब है all are equally free. तो इस civilization में, modern Christian Europe के civilization में, freedom का definition निकल कर आता है all are free. तो आप देख सकते हैं one is free से हमने शुरुआत की, few are free पर पहुंचे, और finally हम आते हैं all are free. अब ये जो डेफिनेशन है फ्रीडम का कि ऑल आर फ्री, हर कोई फ्री होता है, हर किसी के भीतर ये क्वालिटी होती है कि वो फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सके, फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, ये रियलाइजेशन जब ह्यूमन बीइंग में आ गया, तो ये फाइनल स्टेज है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का फाइनल स्टेज है, फ्रीडम के अंडरस्टैंडिंग का फाइनल स्टेज है। हमने फ्रीडम का अल्टीमेट मीनिंग, अल्टीमेट डेफिनेशन, अल्टीमेट नॉलेज अचीव कर लिया, और जब हमने ये अचीव कर लिया तो हमारे साथ साथ माइंड ने, स्पिरिट ने भी अचीव कर लिया। तो हेगल कहते हैं कि ये तीन स्टेजेस ही हैं हिस्ट्री के, इसके बाद और कोई स्टेज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीडम का जो अल्टीमेट मीनिंग है वो हमें मिल गया। और अल्टीमेट मीनिंग, अल्टीमेट डेफिनेशन क्या है? ऑल आर फ्री, ऑल आर फ्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत होती है फ्रीडम के एक डेफिनेशन के साथ कि वन इज फ्री, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट होता है। हम आगे मूव करते हैं, पहुंचते हैं फ्रीडम के दूसरे डेफिनेशन के पास जो है फ्यू आर फ्री, ओके, लेकिन ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है। तो हम फिर मूव करते हैं और हम फ्रीडम के फाइनल डेफिनेशन की ओर जाते हैं, और फाइनल डेफिनेशन है ऑल आर फ्री, ओके, और फ्रीडम का डेफिनेशन ये कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है। तो हेगल कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन फ्रीडम के एक डेफिनेशन को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, ओके, और फ्रीडम का ये डेफिनेशन हर सिविलाइजेशन
कि आर्ट, रिलीजन और फिलॉसफी में रिफ्लेक्ट होगा, चाहे आप बात ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की करें, ग्रीक सिटी स्टेट्स के सिविलाइजेशन की करें, या मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप की सिविलाइजेशन की करें। हर सिविलाइजेशन में फ्रीडम का ये जो डेफिनेशंस हैं वो उनके इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होगा, उनके आर्ट, उनके रिलीजन, उनकी फिलॉसफी में रिफ्लेक्ट होगा। और हेगल आर्ट, रिलीजन और फिलॉसफी को एब्सोल्यूट स्पिरिट का तीन कॉम्पोनेंट कहते हैं। ओके, तो देखिए स्पिरिट का तो ये हमने अभी देखा, अभी तक हमने देखा कि जो माइंड है, जो स्पिरिट है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ता है। अलग अलग सिविलाइजेशन माइंड के, दैट मींस स्पिरिट के, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज को डिनोट करते हैं। हेगल कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन के एंड में एक फिलोसोफर आता है जो उस सिविलाइजेशन को, उस सिविलाइजेशन के सारे डेवलपमेंट्स को अपने फिलॉसफी में समराइज करेगा। ओके, उस सिविलाइजेशन के सारे डेवलपमेंट को अपने फिलॉसफी में समराइज करेगा। फॉर एग्जांपल, एरिस्टोटल ने जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन को अपने फिलॉसफी में समराइज किया, तो हर सिविलाइजेशन के एंड में एक फिलोसोफर आएगा जो उस पूरे सिविलाइजेशन को समराइज करेगा अपने फिलॉसफी में। ओके, यहां पर हेगल अपने आप को लकी मानते हैं, अपने आप को वो फॉर्चुनेट मानते हैं। हेगल से पहले जितने भी फिलोसोफर्स आए, उन फिलोसोफर्स की तुलना हेगल अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हेगल को लगता है कि वो जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिस सिविलाइजेशन से वो बिलोंग करते हैं, ये सिविलाइजेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के फाइनल स्टेज को, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लाइमैक्स को, वर्ल्ड हिस्ट्री के एंड को रिप्रेजेंट करता है। हेगल जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, और हेगल किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं? जर्मन सिविलाइजेशन से। ओके, तो हेगल जिस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, जिस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, जो जर्मन सिविलाइजेशन है, वो हेगल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री के फाइनल स्टेज को, हिस्ट्री के क्लाइमैक्स को, वर्ल्ड हिस्ट्री के एंड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हेगल कहते हैं कि यही वो सिविलाइजेशन है, यही वो सिविलाइजेशन है, यही वो जर्मन सिविलाइजेशन है, क्रिश्चियन यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जहां आकर वर्ल्ड स्पिरिट या माइंड या आप जिसे गाइस्ट कह सकते हैं, ओके, ये वर्ल्ड स्पिरिट हिस्ट्री के इसी स्टेज में आकर, इसी सिविलाइजेशन में आकर, इसी जर्मन सिविलाइजेशन में आकर अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अटेन करता है, अपने अल्टीमेट गोल को, डेस्टिनी को अटेन करता है। और डेस्टिनी गोल क्या है? स्पिरिट का डेस्टिनी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस को हासिल करना। और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को समझना। और इस स्टेज में फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को क्योंकि ह्यूमन बीइंग समझ गए, और हमने क्या समझा कि ऑल आर फ्री, तो हमारे साथ साथ वर्ल्ड स्पिरिट ने भी, ओके, गाइस्ट ने भी, माइंड ने भी फ्रीडम के इस डेफिनेशन को समझ लिया। और इसके आगे कोई हिस्टोरिकल स्टेज फिर नहीं होगा, क्योंकि फ्रीडम के अल्टीमेट डेफिनेशन को अब हमने समझ लिया है। तो जब स्पिरिट अपने पूरे सेल्फ कॉन्शियसनेस को अटेन करता है, जो कि स्पिरिट कर पा रहा है, माइंड कर पा रहा है जर्मन सिविलाइजेशन के इस स्टेज में, तो जब स्पिरिट अपने पूरे सेल्फ कॉन्शियसनेस को अटेन करता है, फ्रीडम के एब्सोल्यूट मीनिंग को समझता है, जब स्पिरिट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तब ये स्पिरिट, हेगल कहते हैं, गॉड बन जाता है। ओके, गॉड बन जाता है, क्योंकि जो गॉड है वो अपने आप को लेकर पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और अब स्पिरिट भी पूरी तरह से सेल्फ कॉन्शियस बन चुका है, तो अब ये स्पिरिट इज इक्वल टू गॉड। ओके, और इस फुल्ली मैच्योर स्पिरिट को, इस फुल्ली सेल्फ कॉन्शियस स्पिरिट को, जिसे हेगल गॉड भी कहते हैं, इस अर्थ में, पृथ्वी में कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन रिप्रेजेंट करता है? कहाँ रिफ्लेक्ट होता है स्पिरिट का ये फुल मैच्योर्ड जो फेज है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? कौन रिप्रेजेंट करता है इस स्पिरिट को? आंसर है जर्मन सिविलाइजेशन। और जर्मन सिविलाइजेशन में भी जर्मन स्टेट या प्रशन स्टेट, इसलिए हेगल कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ पर गॉड का मतलब क्या है? स्पिरिट, गाइस्ट, माइंड, जिसने कंप्लीट सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पिरिट, माइंड, गाइस्ट, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस को
कभी भी खुद अचीव नहीं कर पाता। तो माइंड ने, स्पिरिट ने किसके थ्रू सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव किया? जर्मन सिविलाइजेशन के थ्रू, और जर्मन सिविलाइजेशन में ही क्या, स्टेट के थ्रू, जर्मन स्टेट, प्रशियन स्टेट के थ्रू। और इसलिए हेगल कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसके अलावा हेगल कहते हैं कि ये मैच्योर स्पिरिट जर्मन सिविलाइजेशन के रिलिजन, आर्ट और फिलॉसफी में भी रिप्रेजेंट करता है। रिलिजन में प्रोटेस्टेंटिज्म, आर्ट में रोमांटिसिज्म, और फिलॉसफी में हेगल की फिलॉसफी, हेगल की खुद की फिलॉसफी। ओके, तो ये था पूरा थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, हेगल का थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। इस वीडियो में बस इतना ही। हेगल के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट टू में, हम उनके डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हेगल के स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच वो किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसे समझेंगे, और उनके द्वारा दिया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।